नमस्ते एवरीवन टुडे चैप्टर ट्वेल्व है स्टार्टेड कंकण सॉरी कंकण से तू लोभ ओके इट मींस द ग्रीडी ट्रैवलर कंगन के लोभ से यहाँ पे एक इस सेंटेंस को आधा छोड़ दिया है इनकम्प्लीट रखा है कि कंगन इट मीन्स बेंगल बेंगल के लोब से इट मींस ग्रिडी लालच से वॉट इसमें क्या है ये एक स्टोरी है स्टूडेंट्स ओके द इंट्रोडक्शन इज देअर ऑलरेडी इन योर टेक्स बुक मैंशन विल बी डन द एनिमल स्टोरीज कंपोज इन संस्कृत बींग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर हैव स्प्रेड ऑल द वर्ल्ड द एनिमल स्टोरीज कलेक्टेड इन पंचतंत्र कम्पोज बाय एथिक्स एक्सपर्ट विष्णु शर्मा एंड हितोपदेश कम्पोस्ट नारायण भट्ट आर स्पेशल ओके ये इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे सी फ्रॉम वे from here to here okay the tiger has passed his whole life hunting animals my dear students in this story the tiger has passed his whole life hunting animals but now being old he does not have strength for hunting so by offering golden bengal he wishes to trap his prey thus the background of his stories indicates the greed in human being knowingly or unknowingly one thing is clear that no animal or bird would get trapped by tiger's tempting talks देर आर चेंजेस ऑफ ओनली ह्यूमन बींग टू गेट ट्रैप्ड बिकॉज द ह्यूमन बींग इज मोस्ट ग्रीडी देन द बर्ड्स एंड एनिमल्स द समरी ऑफ द स्टोरी इज दैट इफ द ट्रेवलर हैड नॉट गॉट टैम्प्ट फोर द बेंगल ही वुड नॉट हैव लॉस्ड हीज लाइफ इसको मैं आपको थोड़ा हिंदी में बता देती हूँ कि इसमें ऐसा है कि जो शेर है राइट सॉरी जो बाघ है टाइगर वो खुद की पूरी लाइफ प्राणियों का शिकार करके वो बिताता है यानी इस स्टोरी में ऐसा है कि एक शेर के बारे में बताया गया कि वो पूरी लाइफ प्राणियों का शिकार करके अपनी लाइफ को बिताता है अब वृद्धाश्रम यानी वृद्ध हो गया है वो यानी कि अब उसकी लाइफ में बुढ़ापा आ गया है तो उसकी वजह से उसमें शिकार करने की शक्ति या क्षमता नहीं होती है जिससे कंगन की लालच दे करके वो शिकार प्राप्त करना चाहता है जानने और अनजाने में ठीक है यहाँ पे ये बोध मिलता है कि बा जो बाघ है उसके लोब्स के या उसकी बातों में आकर के कोई भी पशु या पक्षी फंसता नहीं है यहाँ पर ये यह बताया गया है कि उसके लालच में आके कोई भी पशु या पक्षी फंस नहीं जाता है राइट वो सबको फंसाना चाहता है पर कोई भी फंसता नहीं है फंसने की क्षमता सिर्फ इंसान की होती है क्योंकि लालची इसमें ये बताया कि लालची जो होता है वो इंसान होता है शेर जो है वो कंगन की लालच देकर सा, सारे बर्ड्स और सारे एनिमल्स को कंगन की लालच दे करके उसका शिकार करना चाहता है लेकिन कोई भी पशु और पक्षी उस शिकार में फंसता नहीं लेकिन क्यों नहीं फंसता है क्योंकि लालच की लालच में फंसने की जो एक गुण होता है वो इंसान का होता है क्योंकि पशु पक्षियों को तो लोभ होता ही नहीं है तो इस कथा से हमको लास्ट में समरी ऑफ द स्टोरी मैंने बताया था ना आपको तो लास्ट में हमको बोध यानी ज्ञान ये मिलता है कि जो मुसाफिर सुवर्ण कंगन यानी सोने के कंगन के लोभ से नहीं पड़ा होता यानी कि अगर वो इंसान लोहे के कंगन के लालच में नहीं पड़ा होता तो उसे अपने प्राण नहीं घुमाने पड़ते यानी कि वह अपने प्राणों को बचा लेता तो यही इस स्टोरी में भी है स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि इसमें ये स्टोरी क्या है तो इसमें स्टोरी ये है कि लायन बूढ़ा हो चुका है उसमें शिकार करने की कैपेसिटी नहीं है तो वो अपने एक सोने के कंगन से सबको फंसाने का ट्राई कर रहा है लेकिन उसमें बर्ड्स और एनिमल्स तो फंसते नहीं हैं फंस जाता है कौन फंस जाता है हमारे इंसान जो कि लोभ या लालच जिसमें कूट कुट के बड़ी होती है वो इंसान उसमें फंस जाता है राइट तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओके अथ, सी अथ प्रासाद पृष्ठे सुखो उपविष्टा नाम राजपुत्राणाम प्रस्ताव क्रमेण पंडितो भ्रवित भो राजपुता श्रुणत अथ इट मीन्स नाव अब प्रासाद पृष्ठे प्रासाद इट मीन्स पैलेस और पृष्ठ यानी बालकनी इन द बालकनी ऑफ द पैलेस बालकनी इट मीन्स पैलेस की बालकनी इसको पीछे के भाग पर यानी कि इसको आप हिंदी में छत बोल सकते हैं राइट सुख उपविष्टा नाम सुख उपविष्टा नाम इट मीन्स सिटिंग वेरी हैप्पीली सुख से बैठना उपविष्ट यानी बैठना सुख उपविष्ट यानी सिटिंग वेरी हैप्पीली राजपुत्रानाम इट मीन्स राजा के पुत्र सन ऑफ किंग पुरस्तात पुरस्तात इट मीन्स ऑपोजिट उसके ऑपोजिट साइड में प्रस्ताव क्रमेण प्रस्ताव प्रस्ताव क्रमेण यानी इन द ऑर्डर ऑफ बिगनिंग राइट और सबमिशन इन द ऑर्डर ऑफ बिगनिंग पंडितो ब्रवित पंडित यानी पंडित ब्रवित यानी टोल्ड बोला भो राजपुत्रो अच्छा अब इस लाइन को मैं बताऊंगी अथ प्रसाद पृष्ठे सुख उपविष्टा राजपुत्राणाम पुरस्ताद प्रस्ताव क्रमेण पंडितो ब्रवीत इट मीन्स नाउ द सीटिंग वेरी हैप्पीली ऑन द बालकनी ऑफ द पैलेस द स्कॉलर इन ऑर्डर टू बिगिनिंग बिगिन ही स्टोरी ओके अब इसको हिंदी में भी मैं बता देती हूँ आपको कि अब जो है महल की छत पर आराम से बैठे हुए राजकुमारों के सामने ऑपोजिट यानी सामने उनके सामने कथा का आरंभ करने की इच्छा से पंडित ने पंडित ब्रवित यानी पंडित ने बोला यानी अब ये राजकुमारों को स्टोरी सुनाई जा रही है राइट तो अब महल की छत पर आराम से बैठे हुए या खुशी से बैठे हुए या सुखपूर्वक बैठे हुए राजकुमार के सामने कथा प्रारंभ करने के इंटेंशन से या उस आशय से पंडित ने बोला ओके अगेन आई एम टेलिंग नाउ द प्रिंसेस सिटिंग वेरी हैप्पीली ऑन द बालकनी ऑफ द पैलेस द स्कॉलर इन ऑर्डर टू बिगिनिंग ही स्टोरी सेट हे आ रा भो राजपुत्रो इट मीन्स ओ प्रिंसेस, ओ प्रिंसेस, इट मीन्स ओ राजकुमारो शृणुठ इट मीन्स लिसन सुनो, या फिर यू शैल हियर सुनो शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाण निंद्रया कलहेनवा। व ओके अब यहाँ पे ये श्लोक दिया हुआ है और वही चीज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दी गई राइट right? जो आपको श्लोक दिया है उसी को नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो पहले मैं श्लोक का मीनिंग बताऊंगी और उसका एक्सप्लेनेशन हमारा नीचे है तो वो भी हम करेंगे काव्य शास्त्र विनोदेन इट मीन्स बाय जॉय ऑफ पोयम एंड बुक काव्य शास्त्र विनोदेन विनोद विनोद का मतलब है जॉय काव्य शास्त्र इटमीन्स काव्य यानी पोयम और शास्त्र इटमीन्स बुक

निंद्रया इट मीन्स बाय स्लीप कलहेन इट मीन्स ड्यू टू क्वरल झगड़ा ओके तो यहाँ पे यह बताया गया कि बुद्धिमानों का जो समय है वो काव्य और शास्त्र के विनोद में यानी कि उसके एन्जॉयमेंट में बीतता है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता यानी बुद्धिमतों का यानी जो इंटेलिजेंट है उनका समय जो है वो काव्य और शास्त्र के विनोद में यानी कि उसके मजे करने में बीतता है व्यसनेन तो मूर्खा राम निंदया कलहन व लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसन यानी किसी लत में इट मीन्स फ्रॉम इल हैबिट्स निंद्रया सोने में बाय स्लीप और कलहेन यानी ड्यू टू कॉरे तो उनका जो समय होता है वो व्यसन या सोने में या झगड़ा करने में बीतता है आपको आई होप ये समझ में आया होगा काव्य शास्त्र काव्यशास्त्र विनोदेन कालो ग धीमता व्यसने न तो मूर्खाण निंद्रया कलहेन च इट मीन्स अगेन आई एम टेलिंग द स्कॉलर इंटेलिजेंट पास्ट देयर टाइम इंटेलिजेंट्स पर्सन पास देयर टाइम थ्रू जॉय ऑफ पोएम एंड बुक्स वैल द फुलिश पास देर टाइम ट्रू इल हेबिट्स ऑर् स्ली और इन क्वेरल रईट नव तवता विनोदा काकुर्मादीना विचित्रक कथय तद्भवता तदि देता विनोदाय एन्जॉयमेंट और हैप्पीनेस और प्लेजर ओके काक कूर्म आदि न का इट मीन्स क्रो एंड कूर्म इट मीन्स टोर्टोइ इट मीन्स ऑफ क्रोज एंड टोर्टोइ एसेट्रा विचित्रम इट मीन्स यूनिक कथम इट मींस स्टोरी कथिय श्यामी इट मीन्स विल टेल मैं तुमको कहता या कहूँगा तदवता विनोदाय नाम विचित्र विचित्रकथा कथयिष्या राइट सो फॉर योर एंटरटेनमेंट आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ क्रो tortoise, एसेट्रा यानी ये बोल रहे हैं पंडित कि अब आपके मजे के लिए या आनंद के लिए या मनोरंजन के लिए मैं आपको कौवे और कछुए की ऐसे तरह right? यानी कि आदि की अद्भुत कहानी कहूंगा राइट देन राजपुत्र राजपुत्रुक्तम यानी द सन ऑफ किंग प्रिंस द प्रिंसेस सेट अब राजकुमारों ने बोला आर्य इट मीन्स ओ जेंटलमैन कथिय तू इट मींस टैलस कहो ओके okay, कहो पंडित श्रुणु पंडित श्रुनुम इट मींस पंडित ने सॉरी यस पंडित उवाच इट मींस द स्कॉलर सेड पंडित ने बोला उवाच यानी सेड श्रुणुत यूयम सुनो तो फिर आप सुनो ओके okay, क्या बोला कि तुम सब सुनो ओके अगेन द प्रिंसेस सेड ओ जेंटलमैन अस द स्कॉलर सेड यू ऑल लिसन ओके संप्रति मित्र लाभ प्रस्तुतियते नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द चैप्टर ऑफ मित्र लाभ अब यहाँ पर मैं मित्र लाभ नाम की जो स्टोरी है वो यते, यानी प्रेजेंट कर रहा हूँ संप्रति यानी नाउ देन नाउ आई एम प्रेजेंट इंग द चैप्टर ऑफ मित्रलाभ तत्र इम प्रथमा कथा तत्र यानि दैर दैर वैर मित्रलाभ जो है स्टोरी का नाम उसमें इम यानी दिस दिस प्रथमा कथा इट मीन्स फर्स्ट स्टोरी फर्स्ट स्टोरी है यानी इस कहानी की ये मित्र लाभ जो है उसके ये पहली स्टोरी है ओके okay? कंकण से okay? तो लोभेन मग्न पंक सुद स्तरे सम्प्राप्तः संथि संवृत्तों था कंकण से इट मीन्फ बैंगल बंगल और ब्रेसलेट एवर यू कैन से ओके तो कंकण से इट ब्रेसलेट ब्रेसलेट् मीन्स देन लोभेन इट मीन्स फ्रॉम विथ ग्रेडी लोभ से मग्न यानी ड्राउंड उसमें डूबा हुआ पंके पंके इट मीन्स इन द मढ़ जो कीचड़ होता है उसको बोलते हैं पंके सुदुस्तरे सुदुस्तरे इट मीन्स कैन स्विम विथ डिफिकल्टी सुदुस्तरे तरे यानी स्विम तरना सुदू इट मीन्स कैन स्विम विथ डिफिकल्टी ओके तो इस फर्स्ट लाइन का पहले मैं मीनिंग बताती हूँ कंकण स्तु लोभे न मग्न पंकेश सुदुस्तरे राइट द ट्रेवलर डाइट एस फोर द ग्रीड ऑफ ब्रेसलेट ड्राउंड इन द मड राइट यानी इसने ये बोला कि जिस तरह से कंगन के लोभ से अत्यंत मुश्किल से बाहर आ सकते हैं वैसे अब वैसे क्या वो हम आगे पढ़ेंगे वृद्ध व्याग्रेण वृद्ध यानी ओल्ड व्याग्रेण यानी विद टाइगर सम प्राप्त ओके यहाँ पर दे रखा है सम प्राप्त इट मीन्स गेटिंग पथिक पथिक इट मीन्स ट्रैवलर समृतो समृत संब्रित मीन्स डाइट यथा मीन्स लाइक दिस तरह से मर जाता है ओके देन वेयर ही कैन स्विम विथ डिफिकल्टी एंड गेटिंग बाय द ओल्ड टाइगर तो इसका मीनिंग मैं आपको फिर से बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने क्या बोला तो इसमें यह बताया गया है कि जिस तरह से कंगन के लोभ से बहुत मुश्किल से बाहर आ सके वैसा कीचड़ में डूबा हुआ वृद्ध वृद्ध बाघ भोजन के लिए एक मुसाफिर को प्राप्त यानी मुसाफिर से मिला और मुसाफिर को मृत्यु प्राप्त हुई प्रति को समृद्ध तो ये था यानी उस मुसाफिर को मृत्यु प्राप्त हुई जो लोभ के कीचड़ में फंसा हुआ था कंगन का लोभ उस वृद्ध उसने क्या किया इसमें यह बताया कि वृद्ध जो आ, शे बाघ था वो लो कंगन का लालच दे रहा था लेकिन जो लोभ के कीचड़ में फंसा हुआ था ऐसा पथिक उसे मृत्यु प्राप्त हुई क्यों मृत्यु प्राप्त हुई होगी क्यों मृत्यु प्राप्त हुई होगी क्योंकि उसने लालच किया होगा उसको लगा होगा कि ये सोने का कंगन में ले लूं हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही पढ़ा था कि इसमें बर्ड और एनिमल जो है वो कोई भी आ, उस लालच में नहीं फंसता है इंसान फंसता है क्योंकि इंसान को लालच होती है ओके okay? तो आगे राजपुत्रा उच्चू उच्चू मीन्स बोला द प्रिंस सेड राजपुत्रों ने बोला कथम एतत्त हाउ डिड इट हैपन कथम यानी ऐसा कैसे हुआ हाउ डिड इट हैपन सो सप्रवित सप्रवित इट मीन्स द स्कॉलर सेड उस पंडित ने बोला अस्ति दक्षिण अरण्य एक वृद्ध अब उसने स्टोरी स्टार्ट की कि ऐसा हुआ एक पथिक यानी एक ट्रैवलर जो राहगीर था उसको मृत्यु हुई तो कैसे तो आप ये स्टोरी बता रहे हैं जैसे आप किसी को कोई मूवी की स्टोरी सुनाते हो और आप बोलते हैं कि यार उस मूवी में तो हीरो ही विलेन निकला और हीरो मर जाता है तो हमको एक क्यूरोसिटी होती है कि ऐसा कैसे राइट हमने तो जो उसका देखा था एड उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं राइट right? तो यही बात है कि अब उसको स्टोरी सुनाते हैं यानी उसने शॉर्ट में बता दिया तो अब उसको स्टोरी सुना रहे हैं सो सअरवित इट मीन्स द स्कॉलर सेड अस्थि मीस इज दक्षिण आरण्य इट मीन्स दक्षिण आरण्य एक अरण्य मीन्स जंगल इस जंगल का नाम है दक्षिण आरण्य। एक वृद्ध एन ओल्ड मैन ओल्ड uh, वृद्ध मीन्स ओल्ड एंड व्याघ्र मीन्स टाइगर अस्थि दक्षिणारण्य एक वृद्ध व्याघ्र इट मीन्स देर लिव एन ओल्ड टाइगर इन द फॉरेस्ट नेमड दक्षिणारण्य राइट सह स्ना कुशहस्त सरसतीरे धृते सह स्नाट मीन्स हि वॉज बात्र जब उसने नहा लिया कुशहस्तः इट मीन्स हस्त का मतलब होता है कुश मीन्स uh, ये जो ग्रास होती है घास उसको हम बोलते हैं कुश इट मीन्स दैट इन देयर इन ग्रास ओके तो स्नान करने के बाद हाथ में दर्भ को यानी कि उस घास को धारण करने के बाद सरस तिरे यानी सरोवर के किनारे पर तिरे यानी किनारे पर सरस सरस यानी सरोवर तो सरोवर के किनारे पर जा करके बोलता है ब्रूते यानी बोलता है ओके okay? तो ही वॉज बॉथ ही वॉज बाथ एंड देर वॉज अ ग्रास इन हीज हैंड ऑन द बैंक ऑफ द पॉइंट ही स्पीक्स अब वहाँ पर जा कर के वो बोलता है राइट right? भो भो पंथा इट मीन्स ओ ट्रैवलर्स अरे पथिक ऐसा उसको बोलता है कि अरे पथिक इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम इदम मीन्स दिस सुवर्ण कंकणम इट मीन्स द बैंगल ऑफ गोल्ड बेंगल आप उसको बोल सकते हैं गृहताम इट मीन्स टेक लो यानी उसको बोलता है कि ओ ट्रैवलर टेक दिस गोल्डन ब्रेसलेट और बैंगल ओके तो ये तुम सोने का कंगन ले लो ऐसा जो बाघ है वो उस पथिक को बोलता है ततः लोभाकृष्टेन तब लोभ में आ करके लोभाकृष्टेन यानी कि लोभ में आ करके इट मीन्स बाय ग्रीड उस लालच में आ करके लोभ क्रिस्टेन यानी अट्रैक्टेड बाय ग्रीड केनाचित पंथेन केनाचित इट मीन्स सम ओनली और पांथेन यानी द ट्रेवर आलोचितम का मतलब होता है सौ और थॉट राइट याग्यन भाग्य विथ लक्त संभवती संभवती इट मीन्स पॉसिबल तोभाकृष्टन केनाचित पांथेन आलोचितम यत भाग्यन एक संभवती इट मीन्स वन ट्रैवलर थींग्स दैट दिस इज पॉसिबल ओनली Only through फैट okay? वो क्या सोचता है कि इस यानी कि वो ये सोचता है उसने ये विचार किया कि लोभ के लिए यानी लोभ की वजह से आकर्षित हुए इस मुझ मुसाफिर का मन ये विचार कर रहा है कि ये तो लकीली यानी भाग्य से ही संभव है भाग्य ने संभव है यानी ये मुझे लोभ की इच्छा तो हो रही है और लोभ से मुझे ये कंगन मिल रहा है तो भाग्य से ही मिल सकता है वरना कौन मुझे ये कंगन देगा ओके okay? किंतु अस्मिन आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेय किंतु बट आत्मसंदेह इट मीन्स ओन डाउट उसके खुद के संदेह से उसके खुद के डाउट से प्रवृत्ति न विधेय प्रवृत्ति न विधेय का मतलब होता है कि खुद की ही शंका से या शक से ऐसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए ऐसा उसके मन में आया यथ इट मीन्स बिकॉज ओके तो इस लाइन को फिर से पढ़िए बट वेयर देयर इज़ एन ईश्यू ऑफ डाउट एक्सपीरियंस्ड बाय सोल वन शुड नॉट एक्ट बिकॉज अब उसने सोचा कि खुद के मन में अगर कोई डाउट हो वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि अब क्योंकि क्या है वो आगे देखिए इष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यव अनिष्ट इष्ट अनिष्ट वस्तु में से इष्ट वस्तु अनिष्ट का और इष्ट का मतलब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको अनिष्टात का मतलब होता है अनडिज़ायरेबल और नॉट डिजायरेबल इष्ट लाभे का मतलब है रिगार्डिंग डिजायर ओके डिजायर इष्ट लाभे यानी डिजायर और अनिष्ट यानी अनडिजायरेबल ओके गति जाए थे इट मीन्स मूवमेंट इज मेड, मूवमेंट इज मेड, शुभा इट मीन्स प्रोवाइडर ऑफ वेलफेयर शुभा यानी प्रोवाइडर ऑफ वेलफेयर विश संसर्ग इट मीन्स कॉन्टेक्ट ऑफ वैनम अमृतम इट मीन्स नेक्टर मृत्यु इट मीन्स फोर डेथ इसका मतलब ये होता है कि जो हम चाहते नहीं हैं और जो चाहते हैं जैसा हमने चौहान नहीं है और जो हमें मिल जाए इसका मतलब ऐसा है कि जो हमने सोचा नहीं है जो हमने चाहा नहीं है वैसा हमें मिल जाए और उसका लाभ प्राप्त हो फिर भी शुभ गति नहीं है यानी कि अच्छी बात हमारे वेलफेयर के लिए नहीं है क्योंकि जिनमें विष मात्र यानी जिसके स्पर्श से ही विष हो उसको अमृत कहाँ उसमें अमृत कहाँ से मिलेगा यानी कि ये तो शेर है हर किसी को खा जाने वाला होता है तो ये किसी के लिए अच्छा कैसे करेगा फिर भी और फिर भी मैं मरने का कारण बनूंगा यानी मैं मर जाऊँगा मुझे उसको एक्चुअली लालच तो आ गया लेकिन उसको डाउट है कि शेर की जो प्रकृति होती है वो ऐसी नहीं है विष संसर्ग उसमें जिसमें अगर विष होता है जिसमें सिर्फ जहर बड़ा होता है वो अमृत कैसे देगा विष संसर्गो अमृत हम विष संसर्ग यानी विष से भरपूर है वो अमृत कैसे देगा और अगर फिर भी मैं लालच करता हूँ तो तदपि तद मृत्यु वे मैं मर जाऊँगा या मैं मृत्यु को प्राप्त करूँगा ओके एज़ फ्रॉम अनडिजायरेबल थिंग्स द डिजायर्ड बेनिफिट इज

अर्थ जनम अर्थ का मतलब होता है पैसा मनी अर्निंग मनी ओके प्रवृत्तम यानी अर्निंग और अर्थ यानी मनी संदेह एव यानी कि हर जगह पर धन को आ, कमाने की जो क्रिया है उसमें क्या करना पड़ता है हमें संदेह यानी कि हम संदेह करें वो सही नहीं है ज उत्तम इसीलिए कहा गया है कि इसीलिए कहा गया है कि अब इस लाइन को फिर से पढ़ो किंतु सर्वत्र वाली बट इन द एक्टिविटी ऑफ अर्निंग मनी देयर इज ऑलवेज रिस्क वहाँ पर हमेशा रिस्क तो होता है संदेह यानी रिस्क डाउट धन कमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको सोच समझ के कमानी चाहिए क्योंकि उसमें संदेह तो होता है क्योंकि अब वो बोल रहा है कि क्योंकि वेट स्टूडेंट्स ऑफ न संशय नरो नरोभद्राणी पश्यति न संशय अनाहय नरो भद्राणी पश्यति इट मीन्स न संशय न संशय का मतलब है विदाउट डाउट ओके अनारूढ़ अन आुढ़ अनारूढ़ का मतलब बताया यहाँ पर एक शब्द दिया है अनुद्य इट मीन्स बाय राइडिंग नरो इट मीन्स ह्यूमन बीइंग बद्राणी इट मीन्स वेलफेयर पश्च्य इट मीन्स सी संशय इट मीन्स डाउट ओके और रिस्क और एडवेंचर व्ट एवर यू कैन से पुनः आरूढ़्य पुनः यानी अगेन आरूढ़ यानी बाय राइडिंग यदि जीवती पश्च्य इफ लिविंग एंड सी अब इसमें ये बोला है कि न संशय आरूढ़ राइट right? तो इसका मतलब ये है कि अ पर्सन कैन नॉट एक्सपीरियंस वेलफेयर विदाउट टेकिंग रिस्क इफ ही रिमेन अलाइव ही कैन सी वेलफेयर यानी कि रिस्क लिए बिना मनुष्य का कल्याण होता नहीं है न संशयम अनारूद्य नरो भद्राणी पश्चिम इट मीन्स रिस्क लिए बिना मनुष्य का कल्याण होता नहीं है परंतु संशयम पुनः आरुड्यम यदि जीवती पशती परंतु रिस्क करके या रिस्क ले करके जो जिंदा रहता है उसका हमेशा कल्याण होता है यानी कि इंसान को रिस्क तो लेना ही पड़ता है अब यहाँ पर मुझे कंगन दिख रहा है तो धन कमाने की एक ये भी है कि मैं रिस्क लेके देखूँ ऐसा उसने सोचा ओके तो आज ये चैप्टर स्टूडेंट्स हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे उसके आगे का जो कंटिन्यू जो हमारा कंटेंट है उसको मैं कल कंप्लीट कराऊंगी ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको इतना जो पढ़ा है हमने हाफ चैप्टर वो आपको समझ में आया हो थैंक यू थैंक यू वेरी मच